नमस्कार जो एडिटेरिया के द्वारा वस्त्र बिहार सम्मान अध्ययन का किताब लाया गया उसका आज हम प्रैक्टिस नंबर 45 और आखिरी प्रैक्टिस सेट है ये उसको करते हैं, जिसमें मेनली 2016 में जो अकाउंट ऑफिसर का एग्जाम हुआ था उसके प्रश्न है। पहला क्वेश्चन है, बिहार में विद्रोह को किसने नेतृत्व किया था? तो वीर कुंवर सिंह के द्वारा नेतृत्व किया गया था बिहार में विद्रोह 1857 में के वक्त। दूसरा क्वेश्चन है, टाटा लॉ एवं इस्पात कंपनी की स्थापना सिंहभूम जिले के साक्षी में किस वर्ष की गई थी? तो ये किया गया था आपका 1907 ईस्वी में। तीसरा क्वेश्चन है, पटना में वहाबी आंदोलन का महत्वपूर्ण नेता कौन था? तो सैयद अहमद वहाबी आंदोलन के महत्वपूर्ण नेता थे। 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में के पूर्वी गेट पर राष्ट्रीय झंडे को फहराया गया था विद्यार्थियों के द्वारा, और इसी वक्त 7 विद्यार्थी लोग मारे भी गए थे। पांचवा क्वेश्चन है, 1947 में गंडक परियोजना को प्रारंभ किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। छठा क्वेश्चन है, किसने एक अलग राज्य के रूप में बिहार की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया है? तो वो ऐसे देखा जाए तो ऑप्शन के अनुसार तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये होंगे, और इसके अलावा तो मेन तो आपके सच्चिदानंद सिन्हा थे। सातवां क्वेश्चन है, बिहार में पूर्व से पश्चिम की ओर नदियों का सही क्रम क्या है? पूर्व से पश्चिम और इस डायरेक्शन में तो आएगा कोसी, फिर कमला आएगा, फिर बागमती, फिर बूढ़ी गंडक। आठवां क्वेश्चन है, बिहार में रेल कोच फैक्ट्री का केंद्र कहाँ है? तो मोकामा है, पटना के मोकामा में रेल कोच फैक्ट्री है। नौवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में से कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 30 से जुड़े हुए हैं? तो बख्तियार, पटना, आरा, ये सभी जोड़ता है राजमार्ग नंबर 30। दसवां क्वेश्चन है, 2011 में बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला था? तो गया सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला, इन सभी ऑप्शन में गया था। ग्यारहवां क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत है? तो कुल भारत की जनसंख्या में 8.5-8.5% है बिहार की जनसंख्या का योगदान। बारहवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार राज्य की 11वीं पंचवर्षीय योजना का सामाजिक आर्थिक लक्ष्य नहीं था? तो कृषि जीडीपी को 4% वार्षिक दर से बढ़ाना ये लक्ष्य था, तो सही बात है 11वीं पंचवर्षीय योजना। 17 मिलियन नए अवसरों का सृजन करना, तो ये भी सही है। शिक्षित बेरोजगारी को 5% से नीचे तक लाना, तो बेरोजगारी को और भी कम करना था, तो ये नहीं था। अकुशल श्रमिकों की वास्तविक मजदूरी दर को 50% तक बढ़ाना, तो सही बात है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन है, भारत में महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह के तरीके का प्रथम प्रयोग कहाँ किया था? तो चंपारण में किया था। 15वां क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गया बिहार में हुआ था? तो 1922 में हुआ था 37वां अधिवेशन। 16वां क्वेश्चन, 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था? तो फूलन प्रसाद वर्मा, ऑप्शन के अनुसार से फूलन प्रसाद वर्मा ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था 1931 में, इनके साथ जेपी भी थे, लोकनायक जेपी, जयप्रकाश नारायण। 17वां क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह 1917 में कृषकों की प्रमुख शिकायत किसके खिलाफ थी? तो तीनकटिया व्यवस्था के खिलाफ थी। 18वां क्वेश्चन है, उल गुलान के रूप में ज्ञात ब्रिटिश के विरुद्ध जनजातीय विद्रोह किसने संगठित किया था? तो ये किया था आपके बिरसा मुंडा जी ने। 19वां क्वेश्चन है, चंपारण कृषि कानून किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1918 में पारित हो चुका था चंपारण कृषि कानून। 20वां क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है, बिहार के देसी राज दरभंगा में 1919 में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा देसी राज दरभंगा 1919 किसान आंदोलन का दरभंगा में नेतृत्व किया गया था स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा। तो ये था आपका सेट नंबर 45 का प्रश्न। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, इसके अलावा जितने भी सेट के सॉल्यूशन है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम देख सकते हैं, वहाँ से जाकर
वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे ही हमारे साथ बने रहें और भी वीडियो देखने के लिए।